आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थोड़ा टेस्टी थोड़ा हेल्दी स्नैक्स। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के लिया है। इसे हम अच्छा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। फिर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच यूज़ किया हमने और इन दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़्यादा पे नहीं पकाना है हमें, बस हल्का ही पकाना है। इसके बाद हमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, ये 1 कप है बारीक काटा हुआ। गाजर ऐड करेंगे, 1 कप है बारीक कटा हुआ, और इन्हें भी अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए अच्छे से पक गई हल्की हल्की। हमने ऐड किया है 1 कप टमाटर इसमें और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जब टमाटर पड़ता है तो नमक तो ऐड करेंगे ही, तो हमने थोड़ा नमक मिला लिया है और इसे अच्छे से सब्ज़ी के साथ मिला लेंगे। हमने इसमें ग्रीन चिली यूज़ की है और इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं किया है। अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने 2 कटोरी बेसन लिया है, 1 बड़ा चम्मच मिर्ची पाउडर ली है, बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 छोटा चम्मच, अजवाइन ली है 1/2 छोटा चम्मच। इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और एक घोल तैयार करेंगे। जैसा हम चीले के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है हमें, कुछ इस तरीके से। इतना पतला ही चाहिए हमें। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। आप चाहें तो तेल ना भी डालें, वे ही वैसे ही पक जाएंगे अगर नॉनस्टिक पैन है आपका तो। अब हम इसमें छोटे छोटे से जैसे पैनकेक होते हैं वो तैयार करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम इनके ऊपर जो हमने सब्ज़ी बनाई थी वो लगाएंगे अच्छे तरीके से। सब्ज़ी होने के बाद हम इसको पलट देंगे कुछ इस तरीके से। अलट पलट के हम इन्हें गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छे से कुछ इस तरीके से। ये हो गए हमारे। हम तैयार करते हैं इसके लिए सॉस। तो हमने यहाँ पे 4 चम्मच मेयोनीज, 1 चम्मच चिली सॉस लिया है। इन्हें हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे और हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम इसे आपस में मिला लेंगे अच्छे से। और ये देखिए तैयार हो गई सॉस हमारी, और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। जो हमने पैनकेक तैयार किए थे उन्हें हम लेंगे और इसके ऊपर हम ये अपनी सॉस लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो कोई कंजूसी मत करिएगा। और फिर एक और लेकर ऊपर से कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमारे सारे तैयार कर लेंगे। हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी मेयोनीज लगा देंगे ताकि ये और दिखने में अच्छा लगे। ये टेस्टी तो है पर हेल्दी भी है, क्योंकि हमने मैदे का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया है, हमने यहाँ बेसन यूज़ किया है। और बनके तैयार है हमारे बेसन के बर्गर। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।